दोस्तों ना तो ये सैंडविच है, ना कटलेट है और ना ये पकौड़े हैं। और इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए ना आपको बेसन की ज़रूरत होगी, ना मैदा की ज़रूरत होगी, ना गेहूं के आटे की ज़रूरत होगी। एकदम मिनटों में और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम करारी टेस्टी रेसिपी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मुझे तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। इस बहुत ही मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको जरूरत होगी सिर्फ दो उबले हुए आलूओं की। बस आलूओं को अच्छे से उबाल लें और उसके बाद ठंडा कर लें। इसके लिए अगर आलू ओवर कुक भी हो जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आलू छिल जाए आप कर लें इन्हें कद्दूकस। तो ये लीजिए कद्दूकस होकर तैयार है, इन्हें किया साइड से। और उसके साथ ही मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, अरारोट ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं। और उसमें डाल दीजिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें पानी डालना है खूब सारा, यानी एक एकदम पतली सी स्लैरी तैयार करनी है। ये देखिए एकदम पतली सी स्लैरी तैयार है। और उसके बाद मैंने ले लिया है नॉर्मल वाइट ब्रेड है, आप ब्राउन ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं। और कई बार फ्रेंड्स होता है कि घर में आपको नाश्ता बनाना है लेकिन ब्रेड के जो पीस है ना वो बहुत थोड़े हैं, तो उस समय के लिए भी एकदम परफेक्ट है। 2 से 3 पीसों में भी आप इसे बहुत सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे। और ये जो हमने ब्रेड ली थी इनके एजेस आप अच्छे से कट कर दें, वरना आपकी जो रेसिपी बनेगी ना बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होगी। और एजेस को भी आपको फेंकना नहीं है या पैट को नहीं डालना है। इसके साथ ऊपर नीचे का ब्रेड लगाएं, ब्रेड क्रम बना लें और उसका भी हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमने ब्रेड ली थी इसके 2 इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आप चाहें तो 4 में भी कर सकते हैं। और जो आलू कद्दूकस करके रखे थे अब बारी है उन्हें तैयार करने की। तो उसमें गया 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे छोटा छोटा कट कर लिया, एकदम बेसिक से मसाले टेस्ट के हिसाब से नमक 1/2 टीस्पून जितनी, लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून जितना, भुने हुए जीरे का पाउडर 1/2 टीस्पून जितना, अमचूर पाउडर, 1 हरी मिर्च एकदम बारीक काट के, और ये गया भर भर के धनिया। बस इतने ही मसाले आपको इसमें डालने हैं। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालने हैं तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बस इसे स्टफिंग तो नहीं कह सकते लेकिन आपका मसाला बनकर तैयार है। अब ये जो हमने ब्रेड कट करके रखी थी अब बारी है इनका इस्तेमाल करने की। तो आप बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से आलू लेते जाएँ, बहुत ज़्यादा आपको इसमें आलू नहीं लगाना है, बहुत कम भी नहीं लगाना है, बस इतना कि अच्छे से टेस्ट आ जाए। और ये देखिए आलू भी एकदम अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। और इसी बीच हमने कर लिया ऑयल को गरम, क्योंकि रेसिपी है बहुत ही फटाफट वाली और जितने हमारा ऑयल गरम होता है उतने ही हम इन जो नाश्ता बनाया ना इसे तैयार कर लेंगे। इधर हमने ब्रेड क्रम भी बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद बस हमने जो स्लैरी बनाई थी उसमें एक एक पीस लें, इस तरीके से हल्का हल्का सा डिप करें और ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लें। आप चाहे तो 2-3 पीसों को भी एक साथ कोट कर सकते हैं और आप चाहे तो 1 बाई 1 कोट करके रखते जाएं। फ्रेंड्स अब आ रही है ट्विस्ट की। इस नाश्ते को आप चाहे तो इंस्टेंट बनाकर खा सकते हैं और आप चाहे तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। बस ब्रेड क्रम में जब अच्छे से आपके ये कोट हो जाए आप इसे बटर पेपर में अच्छे से रैप करें और फ्रीज़र में रख दें। और उसके बाद जब कभी आपको इसे खाना हो, बच्चे डिमांड करें, कोई रिलेटिव आ जाए या शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाना हो ना, उस समय आप इसे डीप फ्राई करके या सेलो फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं बताती हूँ हम इसे इंस्टेंट कैसे तैयार करेंगे। जो हमने ऑयल गरम किया था वो हो गया है मीडियम गरम, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे आपको ऑयल नहीं करना है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें ली है ना वो ऑलरेडी पकी हुई हैं, आलू अच्छे से उबला हुआ है, ब्रेड को पकने में समय नहीं लगेगा। और प्याज का क्या है, हम कच्ची भी खा सकते हैं, तो फटाफट ये बनकर तैयार हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा आप इसे सेके भी नहीं, वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। बस उलट पलट कर 1.5 से 2 मिनट लगेगा और आप देखेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का आपका बहुत ही करारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। और ये देखिए नाश्ते पे काफ़ी अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। तो अब बारी इसे डिश आउट करने की। और हमने इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर सेका है इसलिए इसने ऑयल को बहुत ही कम एब्जॉर्ब किया है। उसके साथ ही हमने इसे डीप फ्राई भी नहीं किया इसलिए भी इसने ऑयल को काफ़ी कम एब्जॉर्ब किया। और आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही शानदार और टेस्ट आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितना बढ़िया है और क्या इसका साउंड आ रहा है, एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सेकेंडों में बना हुआ नाश्ता तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।